आपको सपोर्ट करेंगे, बाइक की वारंटी खत्म नहीं होती। मैंने कहा भाई तुमने खोल दिया, लोग लेगा कौन इसको, मैं सेल आउट भी करूं, कौन लेगा? आप ले लोगे? कोई नहीं लेगा ऐसे, कोई नहीं लेने वाला। मैंने कहा काम करो, आप 20,000 रुपए माइनस करो, बजाज वाले को बोलिए बाइक ले ले, स्वदेशी वाले को बोलिए बाइक ले ले, मुझे KTM वाली बाइक दे दे। मैं चाहता हूं क्योंकि मैंने अभी साउंड के लिए तो कुछ करा ही नहीं है। सुन, मैंने बोला भाई साउंड के लिए तूने कुछ करा नहीं, 3 बार तेरे सर्विस सेंटर बाइक पहुंच चुकी, तूने साउंड के लिए नहीं करा भाई। दिक्कत ही वही थी। आपके रिलेशन में कोई भी यंग बच्चा हो, कोई भी यंग लड़का हो, उसको मत बोलना कि ये बाइक ले, उसमें बड़ी इश्यूज हैं। ऑफिस छोड़ रहे हो आपका, वहाँ भी लॉस है। छुट्टी ले रहा हूँ, छुट्टी भी ले रहे हो, वहाँ भी सैलरी कट हो रही है, यहाँ पे काम भी नहीं हो रहा है, बाइक से अलग बंदे को फटीक हो रही है, सर में दर्द कितना होता है। और देखो मैं घर वालों को क्या समझाऊं, हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को क्या समझाऊं, मैंने बाइक ली, बाइक में प्रॉब्लम है। O2 भी आ गया, एग्जॉस्ट में पत्थर भी भर गए, क्या चल रहा है ये कुछ करा ठीक नहीं। वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज सामने खड़ी हुई है जो लेजेंडरी बाइक जिसको कहा जाता है बजाज पल्सर 220F, जिसको रीबॉर्न भी कहा, मतलब रीबॉर्न करा, मतलब बजाज ने रीलॉन्च करी है दोबारा से इसको, सेम टू सेम जैसी पहले दिखती थी वैसी लॉन्च कर दिया। बस BS6 फेज 2 वाले इसके अंदर इंजन दे दिया है, ABS एड ऑन कर दिया और न्यू कलर स्कीम दे दिया। पर्सनली ये चीज़ देखने मेरे को अच्छी लगी, मतलब जो बाइक के ओनर है भैया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने करा रखा है, कह रहे नई कंपनी दे रही है, तो ये एक चीज़ देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो ओवरऑल बाइक की जो पल्सर का टिपिकल डिज़ाइन है ना, वो चीज़ इसके साथ आती है और एक नंबर की लुक मिलती है। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? अमन नाम है भाई। अमन, कैसे अमन भैया? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भैया मुझे एक दिन KTM के शोरूम पे मिले थे, हम लोग RC की कुछ दिक्कत लेके KTM पहुँचे थे बगा लिंक पे। तो भैया कह रहे थे मेरे पास 220F है। मैं भैया ने कितना टाइम हो गया आपको लिए हुए? मेरे को अप्रैक्स 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए, 2 अप्रैल को ली थी। हाँ, 2 अप्रैल को, ठीक है। तो फिर भैया का ये प्लान था कि मेरे को इस बाइक को लेने के बाद अपग्रेड करना है RC वगैरह के अंदर। बट आप लोग मेरे को कहते हो ना कि भाई प्रीत भाई आप सिर्फ बजाज की कमियाँ दिखाते हो, कमियाँ बताते हो। मैं KTM की कमियों के ऊपर भी बात करता हूँ, मैं यामाहा की कमियों के ऊपर भी बात करता हूँ, बट जब बजाज के अंदर दुनिया जहान की कमियाँ भरी पड़ी हो तो फिर भाई मैं क्या करूँ। जैसे कि आज मेरे साथ भैया आए हैं, भैया इतना परेशान है इस बाइक से। भैया कितना टाइम हुआ आपको लिए हुए? 2 महीने हुए हैं सिर्फ। 2 महीने सिर पटकने को हो रहा हूँ कि मैं ये बाइक क्यों ले ली। मैंने क्यों ले ली, किस वजह से ली, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। बस एक सिटिंग पोस्टर की वजह से मैंने एक बाइक परचेज की थी, फेयरिंग वाली चाहिए, बजट में बाइक चाहिए, तो मैंने ये थर्ड टाइम लिया। 220F 2015 मॉडल लिया था मैंने, फिर मैंने 2019 मॉडल लिया, फिर ये 2023 में मैंने दोबारा खरीदी। सिर्फ सिटिंग पोस्टर, एक बाइक बहुत अच्छी थी, लेकिन अब की बार तो बजाज ने मुझे ऐसा रुला दिया है कि नेक्स्ट टाइम मैं बजाज की तरफ जाऊँगा नहीं, हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दो महीने में और मैं सभी दोस्तों को भाई को ये बोलूँगा पल्सर 220 तो बिल्कुल मत लेना जो रीलॉन्च मॉडल आया। अगर आपके पास पुरानी ऑन करते हो तो वेल एंड गुड, आपको अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नई वाली बाइक मत लेना, इसमें बहुत सारे इश्यूज आए। BS6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं भी RS 200 BS6 से थोड़ा सा कहता हूँ ना कि मत लेना, पुरानी ले लेना, पुरानी अच्छी है। वही सेम चीज़ भैया कह रहे हैं, जो आप पुरानी वाली 220F थी वो बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, बहुत उसमें बिल्कुल भी मेरे को वाइब्रेशन इससे कम थी, अच्छा पिकअप इससे भी ज़्यादा अच्छा था, एवरेज मुझे ठीक ठाक उसमें भी मिल जाती थी। तो फिर आपने चेंज ही क्यों करी इसको? मैंने चेंज करी, एक्चुअली हो जाता ना वो कि नई बाइक लेनी है, थोड़ा नया बाइक पे जाया जाए, थोड़ा मन बढ़ जाता है। मैंने जब 220 बेची तो मैंने बुलेट ले ली, अच्छा बुलेट लेने के बाद क्लासिक 500 मैंने चलाई 5 साल, उसके बाद मैंने दोबारा फिर डोमिनार ले ली। डोमिनार ही मैंने बेच के सबसे बड़ी गलती करी, लास्ट ईयर ली थी मैंने जुलाई में, 14 जुलाई अपने जन्मदिन पे ली थी, तो वही मैंने सेल आउट करी कि मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना होता है, उत्तम नगर से, तो बहुत रश मिलता है, बहुत जाम होता है, ट्रैफिक वाला रूट है, तो ट्रैफिक के लिए मैं सोचता था कि वो शायद बाइक ना सही नहीं है। और बहुत एक हफ्ता मैंने बाइक अप डाउन करा तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आ रही थी, गर्म हीट इतना मार रहा था इंजन, थकावट हो रही थी, जाम में निकल ही नहीं पा रहा था, बहुत गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हाँ, लेकिन यह कि वो चिपक के चलती है, आप जितना मर्जी आपको अच्छा लगता है कि आप 150 तक ले जाओ तो 150 तक बड़ी मस्त फंस के जाती है, वो रोड नहीं छोड़ती, रोड नहीं छोड़ती, बट ये कि जाम में फंस जाते हो, जहाँ मुझे 1.25 घंटे का टाइम लगना है वहाँ मुझे 2.25-2 घंटे लग रहे थे, बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि यार बाइक को ना सेल ही कर देते हैं, फैमिली वाले भी आ नहीं पा रहे, इसमें मेरी मिसेज है, बच्चा है, नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना दोबारा अपनी पल्सर 220 ले लें। मतलब आपका एक ट्रस्ट था, आपको एक ट्रस्ट बिल्ड था इस बाइक के ऊपर, आपने कहा आंख बंद करके यही लूंगा। और मैंने शुरू से सिर्फ बुलेट ही एक बाइक खरीदी जो सेकंड ब्रांड लिया, शुरू से मैंने यही बजाज की बाइकें चलाई। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी 100cc में डिस्कवर, पहले मेरे ख्याल में वो 2007 या 8 के अंदर आई थी, जब भी मैंने परचेज कर ली थी, नहीं उससे पहले आई थी, मेरे पास थी 2005 थी, तभी मैंने वो बाइक ले ली थी रेड कलर 100cc, बहुत अच्छी एवरेज थी उसकी। फिर मैंने दोबारा पल्सर 125 ली डिस्कवर, फिर मैंने फेयरिंग में आई थी डिस्कवर 150cc वो ली मैंने। ओके, तो शुरू से बजाज पे ट्रस्ट रखा, लेकिन अब की बार तो इन्होंने ऐसी तैसी कर दी मेरी बाइक, मैं तो नहीं कहता भाई किसी को भी पल्सर 220 लो। अच्छा, ऐसा क्या हुआ है ऑडियंस के साथ शेयर करो, जिस वजह से आप इतना मतलब परेशान हो बजाज को लेकर, हुआ क्या है आपके साथ? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, शायद ना समझ पाए, इसमें ना मैं क्लिप में अटैच, वीडियो में अटैच करता हूं, वीडियो में अटैच करता हूं, मैं 2-3 वीडियोस दूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है आपको सुना, अभी हम देखो टिक टिक की आवाज आ रही है,
जब आप आए थे तब बहुत ज्यादा थी, अब शायद ठंडी हो गई थोड़ी कम हो गई। हाँ जैसे ये 5-6 किलोमीटर चलेगी मैं गेट आकर दिखाता हूँ। अच्छा साइड स्टैंड लगा, मेन स्टैंड लगा के आपको दिखाते हैं भाई। मतलब मेन ना भैया के इंजन में से ना बहुत अननेसेसरी फर्स्ट डे वन से साउंड आ रही है। ये देखो कितनी आवाज़ बढ़नी शुरू हो गई है, ये कंटिन्यू आ रही है। हाँ जैसे कुछ चीज़ मतलब शोर कर रही हो, कुछ पता नहीं क्या चीज़ है, आई डोंट नो, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या। हाँ। अब मैं अगर मैं इंजीनियर होता तो शायद मैं ही ठीक कर लेता इससे। तो मैंने जैसे मैंने 2 अप्रैल को बाइक ली थी, ये मैं सेकेंड डे बजाज शोरूम में गया, मैंने ये बाइक ली थी स्वदेशी बजाज से ली थी। मैंने वहाँ से बाइक ली, सेकंड डे में गया, मैंने कहा इसमें ना टिकटी की आवाज़ आ रही है, और जब पीछे की बर्डन मतलब वजन बैठ रहा है ना तो ना बबलिंग कर रही है बाइक। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं सेकंड डे लेके गया, मैंने कहा यार ये बाइक में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके मैकेनिक जो था लड़का था, उसने देखा कि चला के देखी, उसने कहा मुझे तो लग नहीं रहा था इसमें बबलिंग को जा रही है। मैंने भी चला के देखा, शायद मुझे लगा नहीं। ओके ओके। लेकिन मैंने बोला टिकटी की आवाज़ आ रही है, तो उनका जो मैनेजर था वो बोला कि एक बार आप सर्विस करा लो, सर्विस सेंटर दिखा दो, ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी इशू नहीं है। तो मुझे भी लगा शायद बड़ी इशू नहीं होगी, क्योंकि कभी पहले मेरे साथ बाइक पे हुआ नहीं। ठीक है। तो मैं 2-3 दिन बाद टाइम लगा नहीं, मैं 2-3 दिन बाद बग्गा लिंक सर्विस सेंटर जो कीर्ति नगर में, ठीक है, वहाँ ले गया। कीर्ति नगर वाला बग्गा लिंक वाले वाले ले गया, वहाँ पे उनको मैकेनिक को दिखाया, उन्होंने बोला कि अभी सर्विस पहली सर्विस होगी ना उसमें ठीक हो जाएगी। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। मैं एक हफ्ते बाद पूरे 6-7 दिन बाद 350 किलोमीटर बाइक चली थी, मैं सर्विस कराने के लिए ले गया, उन्होंने बोला ठीक हो जाएगी, सर्विस कर दी, लेकिन ये टिकट की आवाज़ नहीं गई। अच्छा एक बात बताओ, आपने जब बाइक खरीदी, जब आप ले रहे थे उस टाइम पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब देखते हैं प्री डिलीवरी से पहले हम थोड़ा बाइक वाइक देखते हैं, उस टाइम आपने चलाई थी? उस टाइम मैंने सिर्फ एक राउंड सही मारा था, और स्टार्ट करने पे तब आवाज थी ये ना, मुझे तो एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं, इतनी सुना नहीं, क्योंकि यहाँ से लेकर शायद मैं 100 मीटर की दूरी पे गया, इस बाइक को मुझे ट्रस्ट था। मे बी उसका रीजन यही है, मैं यही कहने वाला था, मे बी उसका रीजन ये, क्योंकि आप पहले ऑलरेडी 2 बार रख चुके, तो आपने कहा होगा चीज एक नंबर है, बस कर दो पैक, आवाज आनी नहीं चाहिए। हाँ। एक बार नहीं बल्कि दो बार खरीद चुके, दो बार खरीद चुके, बिल्कुल बिल्कुल। बाइक डिलीवरी ले ली, मैं घर चला गया, तब से मुझे दिक्कत आ रही है। ओके। पहली सर्विस ठीक नहीं हुई। ओके। दोबारा मैंने फिर दिखा दी, आवाज नहीं जा रही है। उन्होंने बोला कि देखते हैं इस बाइक में कुछ, उन्होंने जैसे मैकेनिक पहले बोला ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा। मैकेनिक सेकंड टाइम सर्विस होने के बाद खोला इंजन तो कह रहे इसका सीजर गियर खराब हो गया। नई बाइक का सीजर गियर खराब है, 300-400 किलोमीटर पे ही सीजर गियर खराब हो गया। अच्छा। मैंने बोला जी अरेंज करो, कह रहे जी उन्होंने देखा पता किया कि किसी सर्विस सेंटर पे सीजर गियर अवेलेबल ही नहीं है, हमें हेड ऑफिस से मंगाना पड़ेगा। ठीक। मैंने मेल डाली बजाज में, तो उनके किसी सीनियर मैनेजर का जो शायद एरिया मैनेजर है या एरिया टेक्नीशियन है, उनका फोन आया कि आपने मेल डाली है, मैं ना अरेंज करवाता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहीं से अरेंज कराया, उन्होंने अवेलेबल करा दिया मुझे लेने के लिए, नेक्स्ट डे आना पड़ा। उसी दौरान मैं जब उन्होंने इंजीनियर ने बोला, मैकेनिक ने बोला बग्गा लिंक वालों ने कि ये अवेलेबल नहीं है पार्ट, तो मैं स्वदेशी बजाज के सर्विस सेंटर चला गया, मैं एक बार वहाँ भी पूछूं क्या पता मैंने जहाँ से लिया वहाँ मिल जाए। हाँ जी। तो मेरे को मैंने वहाँ पता करा मैकेनिक से, वो कह रहा हाँ जी सीजर गियर की आवाज़ है और आप इसको ठीक करवा लो, कहाँ पर सर्विस कराई, मैंने कहा बग्गा लिंक में। तो उन्होंने अपने स्टोर से पता करा, और मैं कहा वो कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है, NCR में अवेलेबल नहीं है। उन्होंने अपने स्टोर में पता करा, उसने सिस्टम में चेक करा, कह रहा है नहीं अपने दिल्ली में ही है, 3 सर्विस सेंटर पे जो है पार्ट दिखा रहा है। अब आप एक बार देखो, दिल्ली जैसी राजधानी इतनी बड़ी जगह पे ऐसे कह रहे हैं पार्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ जी। वो भी उस बाइक का जिसको अगर आपने आज की डेट में देखोगे रोड पे इतना नजर नहीं आ रही है, ये बाइक बहुत कम नजर आ रही है। सर मेरी बाइक दिख रही है मुझे, नया मॉडल रीलॉन्च वाला दिख ही नहीं रहा रोड पे, मैंने खुद नहीं देखी, आपके पास आई है, मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ रीबॉर्न पे, मतलब जो इसके दोबारा निकाले इन्होंने, मैं फर्स्ट टाइम शूट कर रहा हूँ, फिर आपको 3 जगह पे वो दिखा रहे हैं, 3 जगह दिखा रहे हैं। मैंने दोबारा फोन करा जो उनका टेक्नीशियन है, मैनेजर टेक्नीशियन, उन्होंने कहा भाई पार्ट तो दिखा रहा है, तो कहता है ठीक है मैं ना बात करता हूँ। तो उसने बात करी, कहता है एक काम करो कल बाइक ले आओ, मैंने ना अवेलेबल करवा लिया, ठीक है कल बाइक लिया मैं डाल दूँगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसी बात हुई मैं ले जाता हूँ। मैं नेक्स्ट डे ले गया, उन्होंने सीजर गियर चेंज करा, तो जैसे ही गाड़ी बांध दी उन्होंने और चला के देखी, तो बाइक में टक टक की आवाज़ अभी भी है, तब भी आ रही, मतलब प्रॉब्लम वो थी ही नहीं, प्रॉब्लम थी नहीं। अब उन्होंने बाइक
फिर मैं ले गया गया वहाँ से, देखो भाई आवाज़ फिर भी आ रही है। उन्होंने फिर इंजन खोला इसका, यहाँ पर ये वाला पार्ट खोला। हाँ ये वाला पार्ट खोलते हैं, कुछ भी होती है इसके अंदर से क्लच प्लेट व्लच प्लेट निकाल के उन्हें एडजस्ट करने लगते हैं। उन्होंने बोला कि वहाँ पे ना एक उनका मैनेजर है, बगल में मैनेजर है, ही इज़ नाइस पर्सन, बहुत बढ़िया पर्सन है। उस बंदे ने जितना मुझे कोऑपरेट करा है, जितनी उस बंदे ने हेल्प करी है, मैं कहता हूँ पूरी बाजार में किसी ने नहीं करी। भैया वो तो इतने ग्रेट आदमी है जिसकी हद नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आदमी है वो जो मतलब कि जमीन से जुड़ा आदमी है, समझता है कि आदमी का पैसा लगा है, आदमी का पैसा लगा है। सही बात कह रहे हो आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हो। बिल्कुल जायज बात है, उसको हजम होनी चाहिए। बिल्कुल। उस बंदे ने देखा पूरा हब चेंज कर दिया, गियर हब जो था क्लच प्लेट का, पूरा गियर हब था वो डाल दिया, सीजर गियर डाल दिया, वो हब पूरा हब डाल दिया। फिर उन्होंने पता नहीं एक पार्ट को चैन टाइमिंग चैन होती है, टाइमिंग चैन होती है, हां हां वो भी देखी उन्होंने, लेकिन वो बांध दी उन्होंने बाइक। कहते हैं अब ठीक लग रही है, मैं जैसे ही बाइक लेके निकला हूं घर पहुंचा हूं, आवाज फिर टिक टिक आने लगी, फिर आ गई, फिर आ गई आवाज। मैंने वीडियो शूट कर ली, मैंने वीडियो दोबारा भेज दी, मैंने कहा यार आवाज फिर आ रही है। अच्छा तो कह रहे एक बार इसको चलाओ थोड़ा सा, जैसे ही 400-500 किलोमीटर और चलेगी ना आवाज़ बंद हो जाएगी। मैंने एक हफ्ता 3-4 दिन फिर चलाई, मैंने फिर फ़ोन किया, उन्होंने बोला संडे को बाइक लिया, मैं फिर संडे चला गया। अच्छा मैंने फिर बाइक दिखाई, उन्होंने फिर टाइमिंग चेंज मैन ये कुछ करा, ठीक नहीं है। उन्होंने बोला कि ये बाइक ना हम सर्विस सेंटर भेजेंगे। इतने में एक चीज़ और, उसी दौरान मेरे बाइक में साइलेंसर में एक छन 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 की आवाज़ आने लग गई, पता नहीं उसमें कोई, वो कह रहे हो कि पत्थर का टुकड़ा है या क्या है, कहाँ से आ जाएगा साइलेंसर में। हाँ मैं कौन डालेगा इसमें पत्थर, कह रहे एक छोटा सा पत्थर डाला। मैंने कहा कोई पागल आदमी हो जो इसमें खड़ी बाइक में पत्थर डालेगा, और अगर इसके अंदर मैं कह रहा हूँ छोटा पत्थर डला है, आप स्टार्ट करोगे बैक प्रेशर इतना होता यूं निकल के भग जाएगा। बट वो मेरे बात हजम नहीं हुई, कह रहे कि नहीं इसमें छन छन की आवाज आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, हम सर्विस सेंटर ले जाएंगे बग्गा के करोल बाग, ये बाइक को लेके चले गए। बल्कि उन्होंने मुझे ये शर्त भी रखी एक बात और, कि हम ना डिलीवर कर देंगे आपको, होम डिलीवरी पिक भी कर लेंगे, डिलीवरी भी कर देंगे। हालांकि उन्होंने पिक नहीं करी, मैं खुद ही बाइक ले गया, क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं रहा। सही बात, मैं खुद ही बाइक ले जाऊंगा, मेरे सामने करना। मैंने बाइक छोड़ दी, वो कह रही है ना वहाँ जाएगी, आप एक काम घर चले जाओ, बाइक रेडी हो जाएगी, हम डिलीवर करा देंगे। मैंने कहा ठीक है, पिक एंड ड्रॉप दे रहे थे। हाँ, दो दिन तक उन्होंने बाइक रखी, उनका कॉल आया मेरे पास, मैंने कहा बाइक हो गई, कहते हैं हाँ बाइक हो गई, आप आ जाओ ले जाओ। मैं कहा आप तो डिलीवरी के लिए कह रहे थे, कहते मेरे पास ना बंदा नहीं है आज, तो आप एक काम करो आप लेने के लिए आ जाओ। ठीक है, मैंने कहा मेरी बाइक है, चलो मैं ही लेने जाता हूँ, मैं ही लेने चलता हूँ, मुझे देखना ना अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो दोबारा वहीं पे हैंड टू हैंड बता दूंगा। मैंने फिर बाइक अपनी चेक करी, मुझे कोई आवाज़ नहीं, तो पता लगा इसमें ऑटो सेंसर का निशान लग गया, एरर आने लग गया। मतलब टिक टिक भी थी, ओडू भी आ गया, एग्जॉस्ट में पत्थर भी भर गए। क्या चल रहा है? सेंसर की आवाज, मैं वो भी आपको वीडियो भेजूंगा। ठीक है आप देना। ऑटो सेंसर की मैंने लाइव वीडियो बना रखी है कि तेरे को चल रही है। हाँ। मैंने फिर फोन करा, मैंने कहा यार उन्होंने क्या करा, जो उनके मैनेजर उन्होंने बाइक फिर खड़ी करी, उन्होंने क्या करा ऑटो सेंसर चेंज कर दिया। यहाँ पे कुछ सेंसर था उसका। हाँ या बैंड पाइप के अंदर लग रहा होगा, वो वाला होगा जो सामने ना गोल गोल, वो वाला होगा। हाँ मेरे ख्याल में यही होगा, मैंने देखा। ये वाला बताता हूँ, ये वाला होगा भैया, देखो ये वाला, ये चेंज करा होगा उन्होंने, ये हाँ ये था, ये सेंसर, हाँ ये सेंसर उन्होंने निकाला और सेंसर चेंज कर दिया। तो मैंने एक राउंड मारा, कहता ठीक है, मैं आवाज़ कहता था इसको चला लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है चलाने में, उनका मेन मैकेनिक बोला चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो सेंसर चेंज कर दिया मैंने बाइक एक राउंड मारा, मैंने कहा ठीक है यार चला के देखता हूँ 2-3 दिन और, क्या पता दिक्कत ना आए, क्या पता ठीक ही हो जाए। मैं लेके वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर निकले था, घर भी नहीं पहुँचा था, आधे रास्ते में ऑटो सेंसर फिर चल गया नया लगाने के बाद भी। अब 6:30 बज गए, उनका सर्विस सेंटर बंद हो गया था 6 बजे। मैंने नेक्स्ट, अब मैं क्या करूँ, मैंने फिर फोन करा विजेंद्र को, जो उनका विजेंद्र है मैनेजर, उनको कॉल कर, मैं यार ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने बोला कि बाइक लिया ना, मैं फिर बाइक ले जाऊंगा, मैं परेशान हो गया बाइक ले। अब भैया आप एक बात देखो ना, बंदा बार बार जा रहा है, आप अपना काम धंधा छोड़ रहे हो, ऑफिस छोड़ रहे हो, आपका वहाँ भी लॉस है, छुट्टी ले रहा हूँ, छुट्टी भी ले रहे हो, वहाँ भी सैलरी कट हो रही है, यहाँ पे काम भी नहीं हो रहा है, बाइक से अलग बंदे को फटीक हो रही है, सर में दर्द कितना होता है। और देखो मैं घर वालों को क्या समझाऊं, हाँ मैं अपने फ्रेंड्स को क्या समझाऊं, मैंने बाइक ली, बाइक में प्रॉब्लम है, मैंने नई बाइक ली, ये दिक्कत है, मजाक उड़ा रहे हैं यार, तूने क्या बाइक ले ली, इससे बड़े काम पर 30,000 हमसे एक्स्ट्रा ले ले भाई, तू दूसरी बाइक ले लेता भाई, बस ये बात बोल रहे हैं, शर्मिंदगी वाली बात। शर्मिंदगी भी चलो देखी जाए, मतलब हम इतना पैसा लगा रहे हैं, चीज ऐसी बजाज क्यों बना रहे जो उनके टेक्नीशियन से ठीक ही नहीं हो रही है। मैं फिर बाइक लेके गया, उन्होंने फिर बाइक खोली, तब जो उनका जो मैनेजर है दिल्ली NCR का, जो टेक्नीशियन मेन टेक्नीशियन है, बात चल रही थी मेरी। अच्छा अच्छा। उन्होंने बोला आप एक काम करो अमन जी, लास्ट टाइम ने एक बार मुझे फिर बाइक दी, मैं कहा मैं केस करने वाला हूँ। सही कहा, मैं केस करूँगा, अभी मुझे इंजन मिलेगी है सर, ये मुझे 168 की पड़ेगी, 168 की, 168 होगा, कितनी सीसी की है? 220 सीसी की। हाँ जी, मैं अभी आपको ये लेना नहीं, मैं आप
ये पल्सर का पहला मॉडल रहा तो जो तो उन्होंने भी वो बढ़िया था जी। अब हमारे उम्र में ये चलाने को सतुत्तीन में अभी अंकल इतनी अच्छी बना भी नहीं रहे हैं। कोई भी आपका बेटा हो, आपके रिलेशन में कोई भी यंग बच्चा हो, कोई भी यंग लड़का हो, उसको मत बोलना कि ये बाइक ले, उसमें बड़ी इशूज हैं, बहुत इशूज हैं इस बाइक में। तो भाई स्कूटी लेके दी जी पहले शुरू में 2002 आई थी, 2004 में थी पहला मॉडल आई थी। ना वो लाइट की आई थी। अब आप बताओ। मैंने उनको बोला मैं अपना केस करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए बाइक, नहीं या तो नहीं दे दो, नया इंजन लगा दो। मैंने भी उनका गुस्सा तो आ ही रहा था, मैंने भी उनको गुस्से में बात करी। भैया इतने के बाद किसा गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल बाबू जी, एक ये अप्रोक्स समझ लो 2.25 लाख की बाइक हो गई, 168 की बाइक है, समझ लो 2.25 लाख के आसपास की बाइक है। हमारे लिए तो 2 लाख क्या 50,000 बहुत बड़ा है। हम 2 लाख की बाइक ले रहे हैं, डेली आने जाने में जो तेल फूक रहा है उसकी कोई कीमत नहीं, उसकी कोई कीमत। अब उन्होंने मैंने बोला केस कर दो, उन्होंने रिक्वेस्ट करी काम करो मंजी लास्ट टाइम मेरे को बाइक दे दो, मैं उसको ना देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी साउंड के लिए तो कुछ करा ही नहीं है इसमें। मैंने बोला भाई साउंड के लिए तूने कुछ करा नहीं, 3 बार तेरे सर्विस सेंटर बाइक पहुंच चुकी, तूने साउंड के लिए नहीं करा भाई। दिक्कत ही वही थी, दिक्कत ही वही थी जिसके लड़ रहा हूं मैं। डेली तुमसे बहस कर रहा हूं चीज के लिए, तुमने उस टिक-टिक नॉइज के लिए कुछ नहीं करा। कहते हैं उसका नाम भी देखा नहीं अंदर से, तो मैं देखना चाहता हूं। मैंने बोला कुछ भी करना, इंजन के जो बाइक का इंजन है वो मत खोलना। सही बात है, मेरे से बिना कुछ इंजन मत खोलना। सही बात है, बोले नहीं बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगे जी। बाइक ले गए दोबारा बग्गा लिंग पे चले गई ये बाइक, नेक्स्ट डे आती है, मैंने देखा इस बाइक में शायद मेरे पास फोटो होगी, वीडियो भी है उसकी, अब देना। ये देखो, ये देख रहे हो आप, चेक आउट करो भाई। ये जो खुला हुआ है ये सिर्फ 1200-1300 किलोमीटर पे इसका हेड खुला हुआ है यार। ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ से खुला हुआ है, नई बाइक में ऐसा आता ही नहीं है, पेंट छूट रहा है, निशान आ रहे हैं, ये जो सीलिंग है दूसरी नई लगा रखी है। हाँ जी साफ पता चल रहा है, तो खुला हुआ है। साफ पता लगता है ना, साफ दिख रहा है। अब इस पे पहले पेस्टिंग थी, जो पेस्टिंग थी बहुत बड़ी बड़ी थी, मैं आपको वीडियो भेजूंगा उसकी, बहुत यहाँ तक बिल्कुल व्हाइट कलर की, जैसे फेविकोल लगा दिया पूरे में भरा हुआ था। अच्छा, जिसको देख कर साफ पता लग रहा था कि मेरा हेड खुल गया। जैसे मैंने देखा मेरा पारा हाई हो गया, मैं पहुंच गया। पारा हाई होना लाजमी है भैया, हेड खुल गया, इंजन की वारंटी गई। कह रहा जी ये तो हर सर्विस में होता है, आपको पता नहीं है क्या? मैं कहा भाई आज से बाइक नहीं चला रहा है। हाँ। तेरे से मैं कम से कम 7-8 बाइक चेंज कर चुका हूँ। हाँ। शौक रखता हूँ बाइक का बिल्कुल, तो मुझे इतना पता है कि बाइक में कब इंजन खुलता है कब नहीं खुलता, तो आपने खोला ही क्यों ये? और सर्विस पे ये खुलेगा, ऊपर का हेड खुलेगा? हर सर्विस पे खोलते हैं हम, तो टैपिट साउंड में चेक करना होता है, टैपिंग नॉइसिंग में सीधी करनी होती है, पता नहीं क्या क्या चेंज सिस्टम ठीक करना होता है। मगर भाई इतने आज तक मेरी बाइक क्लासिक 500 जैसी बाइक का जितना हेवी इंजन, उसका भी आज तक उन्होंने हेड नहीं खोला, और आपने पल्सर 220 का खोल दिया। तो उन्होंने बोला बड़ी मैं बहस हुई, तब तक उन्होंने बोला कि नहीं उसको ठीक करा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। मैंने क्या बोला, अगर मेरी बाइक में कुछ भी हुआ ना तो यहाँ ताबड़तोड़ बहस हो जाएगी। हाँ, में मैंने क्लियर कट बात बोल दी भैया। फिर बाइक गई, फिर बाइक उन्होंने पता नहीं क्या क्या उन्होंने छेड़ा छाड़ी करी। संडे को फिर लेके गया तो उन्होंने क्या करा कि ये जो थी जो पेस्टिंग थी हटा दी, ठीक है क्लीन कर दिया उसे, क्लीन वाली कर दी, जो ट्रांसपेरेंट आती है एक जो आती है पेस्टिंग वो उन्होंने लगा दी, विजेंद्र भाई ने वो लगा दी बाइक। उस बंदे ने अपने तरफ से बहुत कोशिश करी, बाइक ठीक करके भी दी मुझे थोड़ी बहुत, एक दो दिन चली कर अब इस बाइक को चलाओ, पर ये चल के ना दे, चल के ना दे। अब मैं क्या करता हूँ, जब बाइक ड्राइव करता हूँ तो हेडफोन लगा लेता हूँ, तो ऑफिस पहुँच जाता हूँ, थोड़ा लंबा रूट है। हाँ सरदर्दी कौन सुनेगा, इतनी किट 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 किट। मुझे लगा मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरे हेडफोन हो गया खराब, तो मैं विदाउट हेडफोन बाइक चला रहा था, तो मुझे फिट टिक नॉइज सुनाई दे रही है। अरे यार हफ्ते बाद ही, हफ्ते बाद अभी आपने वीडियो, और क्या पता हफ्ते बाद क्या वो पहले से आ रही हो, आपको पता ना चला हो। हाँ मैंने फिर फोन करा, अभी लेटेस्ट मैंने फिर दोबारा फिर फोन करा, फिर कोई दिक्कत आ रही है। करा मन जी आपने एक बार बाइक मुझे दिखा दो। कितनी दिखाऊं, कितनी बाइक दिखाऊं? मैं ना आपको मेल की कॉपी भेजूंगा, कम से कम मैंने 6-7 मेल कर रखी है बजाज को, बजाज की तरफ से कोई मेल नहीं आती, बस खाली सॉरी मैं उनके मैनेजर का फोन आया था। एक बार तो उन्होंने रिवर्ट ही नहीं करा, रिप्लाई नहीं करा मेल पे, सीधा मैंने दोबारा उनको मेल करी, भाई कोई तो गौर करो मेल पे। तो उनका मैनेजर का बंदा फोन आता जो मेन टेक्नीशियन है, मैं आपको नाम बता दूँ, नाम भी क्या लूँगा, चलो मैं नाम लेना नहीं चाहता, उनको दिक्कत हो जाएगी वरना। उन्होंने बाइक को देखा, कहते ये प्रॉब्लम है, इसको मैं ठीक कर दूंगा अभी लास्ट टाइम। फिर अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो नई बाइक में, नई बाइक में
ये एक ना स्प्रिंग होता है जो इसको क्लच की जो केबल ये ना इसको पीछे करके रखता है, होल्ड करके रखता है पीछे। ये भी टूट गया देखो, ये तो क्वालिटी है बजाज की, क्वालिटी बहुत लेवल गिर चुका है आज की डेट में। अगर मैं आपको वाइब्रेशन सुना दूं ना अभी, आप बोलोगे वाइब्रेशन इससे बड़े तो ना मैं वो ले लेता, वो टीवीएस की आती ना छोटी सी मोपेट, वो ज़्यादा अच्छी थी। मेरे बजाज में बहुत वाइब्रेशन है। यहाँ से बज रहा है अभी तो ये खड़ी बाइक में है। हाँ। जब मैं इसको रोड पे चलाऊंगा तो कितनी वाइब्रेशन करेगी, 70-50-60 की स्पीड में चलती आवाज आनी शुरू हो जाती है। और बल्कि अब तो बाइक BS6 के अंडर इतने सारे नॉर्म्स के अंडर आने के बाद इतनी स्मूथ हो गई है, आने ही नहीं चाहिए। चलो बजाज में वाइब्रेशन रहती है, बजाज के साथ है ये, पर ये तो बहुत ओवर है, बहुत ज्यादा। उन्होंने उस दिन क्या करा, बस मैं संडे को गया हूँ, देखा उनको मैकेनिक ने, हेड मैकेनिक ने करके कर काम करो, ये इन्होंने ये सॉफ्ट वाला लगा रखा, इसको हटा दो, शायद इसकी वजह से क्लच में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत टाइट वाइट करा दिए इससे क्लच में, कहता ना इसने क्लच पूरा दब नहीं रहा होगा, क्लच ना 1 mm खुला रहता है। मैंने कहा अरे यार 1 mm क्लच दबाने से मान लो प्रॉब्लम आने, बाइक यहाँ थोड़ी चलती है, और आप मैं आज से नहीं चला रहा, इसकी यहाँ बाइक चलती है कहीं, फट गई आपके साथ जो आपके साथ जो ये दिक्कत है ना, यही सेम मेरे साथ आर एस में हुई थी, सेम टू सेम है। बजाज का सबसे वर्स्ट पार्ट पता है क्या है, आफ्टर सेल इतना बुरा है। वहाँ के लोगों को ये नहीं पता दिक्कत ये आ रही है तो क्यों आ रही है, उन्हें रीज़न नहीं पता, वो चीज़ वो ठीक करने के बजाय और 4 चीज़ें ख़राब कर देते हैं। मैं कहता हूँ बजाज में सिर्फ जो मैं आपको भैया मैं तो भुगते बैठा हूँ, ये चीज़ जो मैनेजर है सिर्फ वही एक बंदा था भाई, विजेंद्र भाई बहुत ग्रेट आदमी है, नहीं मेरी बड़ी हेल्प करी है, अगर वो बंदा ना हो ना तो ये बाइक शायद मेरी ना मैं बेच चुका होता। वो ऐसे आदमी है, वो बंदे को होप दे के रखते हैं कि हाँ मैं करवा के दूं, और कराते हैं अपने एंड पे काम कराते हैं, अपने रिस्क पे कराते हैं, उन्होंने बिना सुने किसी अपने सीनियर से बात करें, हाँ। मेरे हाउसिंग चेंज करा और दिया। एक बात और है, वो जो बजाज है ना, वो शायद उसके मैनेजर नहीं है, वो KTM के मैनेजर है, ये एक फैक्ट बात है, और वो फिर भी बजाज वालों की हेल्प कर देते हैं, वो एक बहुत बड़ी चीज है, बात को समझते हैं, कस्टमर को थोड़ा सा ना जब वो हाइपर हो रहा होता ना, हाँ। तो उसको पता नहीं क्या बोल जाए, हाँ। क्योंकि मैं तो हाइपर था उस टाइम, मैं आपको बता सकता हूँ, मैं तो हाइपर बोल देता, क्योंकि उस बंदे ने मुझे ठंडा करा, पानी पिलाया, चाय पिलाई, चलो ठंडा करा, दिमाग ठंडा करा, मेरी बात सुनी, कम से कम रिप्लाई तो आता है बंदे की तरफ से। वो सीनियर वाले तो बात ही नहीं करते, बाइक लिया, अरे भाई तुमने तो मुंह उठा के बोल दिया बाइक लिया, अरे मैं तुम्हारे लिए फ्री बैठा हूँ मैं हर संडे, मैं ये लगा लो 1.5 हफ्ते से मैं अपने बच्चे को घुमाने ले नहीं जा पा रहा, सिर्फ क्योंकि मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़ रहा है बार बार, काम धंधा छोड़ के, घर वर के सारी चीज़ें छोड़ के मैं बस इसे ठीक कराता रहूँ, और वो भी नई बाइक ले ली, कम से कम 1 साल तो बंदा ऐसा रहे कि फ्री माइंड रहे, भैया कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले अपने डुकासुर को भाई, टचवुड आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाइक ने, इसको तो मैं लेके पछता रहा हूँ। मैं तो सभी भाइयों को ये बोलूंगा भाई, जो वो बनाते हैं ना वीडियो यूट्यूब पर डालते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वो कहते हैं बाइक में ये एक बंदे ने तो वीडियो देखी मैंने, उसने बोला कि बाइक में चेंजेस है थोड़े बहुत, उन्होंने क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर दी है, ये इसमें थोड़ा आवाज़ सुधार कर दिया है। तो मेरे भाई हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बाइक में 0.01% ना कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ये जो मीटर का कंसोल है ना, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है, बस खाली ये चेंज कर दिया इसका, बस इसका ये डिजाइन चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, इसको लेके मैं घूमता रहूंगा, बस इसी को देखता रहूंगा और चलाऊंगा नहीं, इसी को देखता रहूँ, हाँ भाई ये अच्छा लगा, अरे वाह कितना सुंदर है। भैया पता है बात क्या है, लोग ना जो बाइक के नेगेटिव पार्ट्स होते हैं पता नहीं अपनी वीडियोस में उस चीज़ को बोलने से डरते क्यों हैं, बल्कि जितना वीडियो में ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतने लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ, एक बहुत बड़ी चीज़ है ट्रांसपेरेंसी होना। मैं इतना जानता हूँ बजाज तो इतनी बड़ी कंपनी है, उसको 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा। बस मैं ये चाहता हूँ जो बंदे हैं जो आने वाले बायर हैं जिन्होंने लेनी है, वो प्लीज़ इस बाइक को देख के परचेज करें, किसी के लिए सपना है, मेरे तो भाई बहुत सपना था ये बाइक, ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट टाइम ली थी ड्रीम बाइक थी उस टाइम, स्पोर्ट्स बाइक में यही मेरे सामने लाने वाले मार्केट में क्रांति थी कि भैया सबसे बड़ी अच्छी भैया लेजेंडरी बाइक, इसको ऐसी नहीं कहते, इसीलिए कहा जाता है, इसी मैंने थर्ड टाइम ऑन करी, वही तो वही आपका ट्रस्ट था, सबसे बड़ा ट्रस्ट था वही आपको लेडूबा, यहाँ पे लेडूबा बजाज की तरफ से 0% कोई हेल्प, मेरे तो 0% हेल्प है, फीडबैक जीरो है एकदम, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं तरह से कि हाँ बाइक ठीक कर दो, एक्चुअली या तो मुझे लगता है भाई कि उनको ना समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम है क्या, उनके हाथ ही नहीं लग रही, दिक्कत क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा, और नई बाइक यार बंदा बाहर कहाँ छिड़वाएगा, बिल्कुल कहाँ छिड़वाएं,
वारंटी में है, वारंटी में 5 साल में आपको वारंटी दे रखी है सर, आप चिंता मत करो आपको सपोर्ट करेंगे, बाइक की वारंटी खत्म नहीं होती। मैंने कहा भाई तुमने खोल दिया, लोग लेगा कौन इसको, मैं सेल आउट भी करूँ कौन लेगा, आप ले लोगे? कोई नहीं लेगा ऐसे, कोई लेने वाला। मैंने कहा काम करो आप 20,000 रुपए माइनस करो, बजाज वाले को बोलिए बाइक ले ले, स्वदेशी वाले को बोलिए बाइक ले ले, मुझे KTM वाली बाइक दे दे। हाँ 20,000 लेस कर, अभी मैं देने को तैयार हूँ, 20,000 का नुकसान तो मेरा ही है ना। अब की बार मैं ये जाने वाला हूँ, उन्होंने मुझे नेक्स्ट संडे बुलाया, इस संडे तो नहीं, नेक्स्ट संडे जो आएगा, कल संडे जो आएगा उससे नेक्स्ट संडे बुलाया सर्विस के लिए। मैं बोल दूंगा उनको आप एक काम करो 20,000 छोड़ो, 25,000 माइनस करो बाइक दो। सही बात है, बाइक लो और दूसरी दो, लेने को तैयार नहीं होंगे, एक किसी कीमत पे नहीं होंगे वो। समझ में नहीं आ रही की प्रॉब्लम आ क्या रही है। अब यार देखो ये एक बहुत बड़ी चीज रहती है, सेंसर चेंज कर दिया आपने, एक सिलेंसर चेंज कर दिया आपने, पूरा एग्जॉस्ट चेंज हो गया है, मेरे हिसाब से सिलेंसर का इशू था ही नहीं भैया, उसमें पत्थर जाएगा तो एक्सीलरेट करती भग जाएगा बाहर जाएगा, और आवाज उसकी नहीं यहां आ रही है। लो वो कह रहे हैं कि सिलेंसर में कुछ था, हमने वारंटी में चेंज कर दिया। अरे वारंटी में क्या चेंज कर, भाई नई बाइक है, छनछन की आवाज आ रही है, कोई यहां से डालेगा ऐसी आवाज थोड़ी आएगी, और बिल्कुल छनछन की आवाज आ रही है। ये मतलब बहुत बुरे हाल है बजाज, लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप हमें बजाज की बाइक सजेस्ट नहीं करते, आप तो RS के दुश्मन हो, आप बजाज के दुश्मन हो। भाई मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, जो सच है वो ये चीज़ है, इस वजह से मेरे को डर लगता है, खुद को डर लगता है अगर मैं किसी को सजेस्ट करूँ, वो मुझे भी कहेगा अरे क्या कूड़ा सजेस्ट कर दिया। भाई मैं तो ये बोलूँगा कमेंट में लिख देना, मैं फीडबैक दे दूंगा बजाज का क्या फीडबैक है, मेरे से ज़्यादा नहीं झेला होगा। आप और मैं हम दोनों सेम ही कश्ती गए हुए हैं, मैं तो झेल रहा हूँ। अब मैं तो ये जानता हूँ पता नहीं कितने लोग होंगे, मैं सर्विस सेंटर जाओ कभी आप संडे को या सैटरडे को, आपको पता लग जाएगा कितने बंदे परेशान हैं। बस बहुत, वो बंदे बहुत वीडियो बना नहीं पाते या उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, वो बंदे मार्केट में नहीं आ पाते, वो किसी बंदे को बता नहीं पाते। सही बात है। मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो मुझे ऐसा लिंक मिल गया, मैं क्यों ना बजाज को तो फर्क पड़ेगा नहीं, बाकी बंदों को तो बता दो जो अपकमिंग कस्टमर है जिनको लेनी है बाइक, उनको पता लगे और क्या कि बाइक में प्रॉब्लम क्या है। देख बाइक लेनी है मैं तो ये बोलूंगा बाइक लो, अच्छी बात है, लेकिन जैसे आप एजेंसी में जाते हो ना बाइक को बोले चला के देख लो अच्छी तरह, पूरे नट बोल्ट उसके वाइब्रेशन पूरी तेज दौड़ा के देख लो, स्पीड करके देख लो, हाई स्पीड कर लो, RPM बढ़ा के देख लो। जब तक इंश्योरेंस नहीं कट रहा है तब तक तो आपका पीस यूं चेंज हो जाएगा, और एक बार इंश्योरेंस कट गया या फिर उन्होंने बाइक रजिस्टर कर दी, कितनी कमी हो वो नहीं बदल के देते चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं बाइक वॉश कराने गया, मेरे पड़ोस में बाइक वॉश, मैं बाइक वॉश कराने गया शाम को, मैंने बोला तू बाइक को वॉश कर दे, कहता ठीक है। मैं शाम को बाइक वापस लेना है, उसने बोला कि भैया बाइक ठीक नहीं कराई आपने, तो क्या हो गया, कहता बाइक में इंजन में यहाँ भी आवाज़ आ रही है कट 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 की, तेरे को सुनाई दे रही है, बोला भैया कैसी बात करूँ मैं बाइक ठीक करता हूँ, हेल्पर है उसका वॉश करता। उस बंदे ने पकड़ लिया कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ये बात ना उनके हेड मैकेनिक को बताई, वो कह रहे उनको पता नहीं होता किसी को ऐसी ऐसी बातें करते, दूसरों की बातें मत जाओ, कैसी बात कर रहे हो, उसके कान नहीं है क्या, बिल्कुल उसकी बाइक है, उसकी तो उसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है, उसे धोनी है बस, बिल्कुल। मैं सुभाष नगर में एक बाइक सेल ऑन करता है, पुरानी बाइक लेता बेचता है, मैं उसके पास गया, मैं क्यों ना रेट लगाई जो, क्योंकि मैंने डोमिनो उसके पास सेल करी थी, मैंने सोचा कि क्यों ना उसको बाइक सेल करी जाए। मैंने उससे सिर्फ एक सलाह लेनी थी, एक टेंटेटिवली वो दे देंगे कि क्या रेट प्राइस कितने की पड़ेगी, कितने की बिक सकती है। पूछ चला गया उनके पास, बाइक बोली जा रही है, बाइक तो अमन जी आपने बहुत अच्छी रखी है, बहुत साफ सुथरी नई बाइक पड़ी है, बाइक लेने के एक महीने की बात बता रहा हूँ मैं, एक महीने के बाद कहते बेच कर रहे हो। मैंने कहा मुझे हाई सीसी की बाइक लेनी है, मैं डोमिनो चला के ना बेच गया था आपके पास, मज़ा नहीं आ रहा, साइकिल जैसी लग रही मुझे, बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसमें बाइक का रेट जैसी वो ऐसे चलने लगा बाइक रेट लगा तो उसने देखा ही नहीं था, जैसी चेकिंग करने से टेस्टिंग में देखी उसको, कहता ये क्या थोड़ा मारा हुआ है क्या, मैंने कहा यार थोड़ा नहीं मारा हुआ, कहता ये खुला हुआ है, मैंने कहा नहीं खुला हुआ नहीं भाई, वो टाइमिंग चेंज का कुछ इशू था तो उन्होंने चेंज किया, कहता ये कस्टमर नहीं मारेगा, कस्टमर कह के इंजन खुला हुआ। मैंने कहा उसको बोलना कि यार टाइमिंग चेंज का प्रॉब्लम है, कहता भाई कस्टमर नहीं जानता, वो कस्टमर बोलेगा भैया उसको नहीं पता ये टाइमिंग चेंज होती है या पिस्टन होता है क्या होता है, उसको ये समझ नहीं आता कि ये हिस्सा इंजन का है, ये मुझे खुला हुआ लग रहा है बस, यहाँ कुछ कमी है, कुछ कमी है। तो उसने सीधा कम से कम 55,000 से 60,000 रुपये बाइक के माइनस कर दिए। वही तो, ये बात मैंने उनको भी बताई, कहते आप सेल मत करो कम से कम साल तक चलाओ, मैं भाई क्यों चलाओ, चलाने लायक बचका रही है ये, साल में क्या पता और दिक्कत बन जाए, बिल्कुल, और बढ़ गई प्रॉब्लम साल बाद तो तुम हाथ खड़े कर दो कि भैया इतनी किलोमीटर बाइक चल गई अब वारंटी में नहीं है। हाँ क्या मना कर दो तुम, मैं रोक सकता हूँ, क्या कर लूंगा मैं, मैं तो खाली रह गया वहीं के वहीं, मतलब यार इतना परेशान है कस्टमर क्या करेगा यार, ऐसी सिचुएशन बना देता बजाज मतलब बंदे के लिए, मैं करूँ क्या। मैं अभी नेक्स्ट संडे जब सर्विस के लिए जाऊंगा ना, मैं आपको फिर एक बार फिर कॉल करूंगा, वीडियो बनाएंगे, डन डन डन, इसका बताएंगे कि हुआ क्या। कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो नेक्स्ट संडे भैया जब जाएंगे ना तो पॉसिबल हुआ अगर मैं फ्री रहता हूँ मैं भाई के साथ चल लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। KTM ही तो जाओगे आप, वहीं बगलिंग ठीक है, बाकी मुझे भी पहचान गए, अरे वो अमन जी आते हैं ना बाइक लेने, बल्कि विजेंद्र भाई चला गया बाइक छोड़ के, मैं 7:30 बजे उनके सर्विस सेंटर पहुंचा हूं, उन्होंने कहा था वो अमन जी आएंगे, याद है ना अमन जी, उन्होंने बाइक दे दे, उनकी बाइक खड़ी अंदर, वो बंदा गेट वाले मुझे जानने लग गया कि हां बंदा आने वाला है, क्यों
क्यों संडे तो वहीं पड़ा रहूं, आना जाना इतना हो गया है, महीने में 5 चक्कर तो मैं सर्विस सेंटर लेके तो पहचानेगा। तो चलो भाई फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच अमन भाई, आपने सारी चीजें बताई। अगर किसी और बंदे को ऐसे अपना फ्यूचर में बाइक वाइक लेनी है तो भाई थोड़ा अपना विजन क्लियर कर लेना, और अगर फिर भी आपको बजाज लेनी है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक जो हकीकत है वो दिखाई है। बाकी इस वीडियो इस बाइक का आगे क्या होगा वो आपको आने वाले वीडियोस में मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा, अगर कुछ बेस्ट हो सका, अगर ये ठीक हो गई तो सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर इस प्रॉब्लम का अगर कोई देखने वाले मेरे भाई को व्यूअर को अगर पता हो ना आइडिया कि ऐसा क्यों हो रहा है तो वो चीज़ भी आप मुझे एक बार ना कमेंट करके बता देना, थोड़ी भैया की हेल्प हो जाएगी, हम जाके कस्टमर और हम आगे मैकेनिक को बता देंगे भाई ये दिक्कत है ठीक कर दे। मैकेनिक जो बजाज के जिनका वो लगा हुआ है ठप्पा और लगी हुई है उनको पता लग जाए कि हां एक बजवार वाला, वो मुझे ना घर वाला मैकेनिक बोल रहा है जो मेरे पड़ोस में है, कहता है सुन ना सीजर की दिक्कत है कुछ और दिक्कत भी है मैं ठीक कर सकता हूं। हां क्यों कर रहा है ठीक कर सकता हूं, मैंने कहा भाई तेरे पास देगा कौन, हां वारंटी में है, हां महीना नहीं हुआ तेरे पास ये बाइक खुलवा दूंगा मैं। चलो फिर ठीक है गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं, होप पसंद आया तो लाइक कर सकते हो और शेयर जरूर करना इस वीडियो को।